सतगुर नानक तेरी नीला न्यारी है, नीजा लाला वैंदी दुनिया सारी है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी संगतो, अज असी इत्थे हेमकुंड साहब बैठे हैं। महाराज जी ने बड़ी कृपा की थी। ते इत्थे तक तरस करके सानू ले के आए, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी उच्ची आ। ते संगतां बजुर्ग बच्चे उन्हां नू देख देख के है ना बड़ा हौसला आउंदा सी, ते महाराज जी ने तरस करके ना उत्थे तक लै आंदे। ते अज है ना थोड़ी गलबात करना चाहुंदे आं असी इस स्थान की हिस्टरी बारे। मेरे वीर पहला भी आके गए थे इतने, उन्होंने तुसी व्लॉग देखा ही होना है, तो तुसी पसंद भी बहुत किया उस व्लॉग से। उन्होंने वधिया तरीके बनाया सगा इतने जो भी रास्ता सगा सारा उहदे बारे दस्सिया। पर अज आप गल करन जा रहे हैं इतिहास बारे, है ना जी, हिस्टरी बारे। महाराज जी होना ने गुरबाणी के गुरु गोबिंद साहब महाराज जी ने गुरबाणी के इस स्थान बारे दस्सिया जरूर। तो थोड़ा जी उन्होंने प्रीवियस लाइफ बारे, उन्होंने पिछले जन्म बारे इतने उन्होंने बिल्कुल बड़े विस्तार महाराज जी ने बाणी के दसिया। तो मैं थोड़े नाल सांझा करदा इंग्लिश के भी तो पंजाबी भी। अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जहबिद महानो, नाओ आई रिलेट माई ओन स्टोरी एज टू हाउ आई वॉज ब्रॉड हेयर वाइल आई वॉज अबजॉर्ब इन डीप मेडिटेशन। तो महाराज जी दसदे आ भी ये जिहड़ी साडी कहानी आ भी ये जो सारी कहानी बनी है ये की संबंध है इस कहानी दे नाल, किवें असी इत्थे आए ते किवें इत्थे सुन समाधि विच महाराज जी हुण चल गए पिछले जन्म दे विच। हेमकुंट पर्बत है जहाँ सप्त सरिंग शोभित है तहाँ, द साइट वॉज द माउंटेन नेम्ड हेमकुंट विद सैवन पीक्स एंड लुक्स देयर वेरी इंप्रेसिव। तो महाराज दस दे ये जिहड़े जो स्थान है इसका नाम हेमकुंट पर्बत, तो इतने सत पहाड़ ने जी, उच्चिया उच्चिया सत पर्बत ने जी। तो इतने देख भी रहे थानू वीडियो के दिखावे भी। सप्त सरिंग तह नाम कहावा पांड राज जह योग कमावा, दैट माउंटन इज कॉल्ड सप्त सरिंग वेयर द पांडवास प्रैक्टिस योगा। ये जो जो पर्बत है जो पहाड़ है यदा नाम है सप्त सरिंग, सत पहाड़ सत पर्बत, तो जिथे के पांडव जिहड़े सीगे पांडू सीगे जिहड़े महाभारत वाले पांडवों ने इत्थे योगा योग साधना कीती सी, वो इत्थे योगा करते सी मेडिटेशन करते सी, उन्होंने भी इत्थे आके काफ़ी भगत की योग साधना कीती सी। तह हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी, देर आई वॉज अबजॉर्ब इन डीप मेडिटेशन ऑन द प्राइमल पावर द सुप्रीम बीइंग। तो महाराज दसते ने कि इस स्थान पर जिथे असी बहुत ज़्यादा सुन समाधि महाराज जी गए तो महाराज जी होना एकमेक हो गए उस प्राइमल पावर उस सुप्रीम पावर के। देखो कितनी सोहनी गल है, महाराज जी खुद ही कह रहे असी महाराज जी होना लीन हो गए, है ना। देखो उन्होंने रंग है सोच तो बहर दादी तो वाहगुरु। यह बिद करत तपस्या भयो दवे ते झक रूप हवे गयो, इन दिस वे माई मेडिटेशन रीच इट्स जेनिथ एंड आई बिकेम वन विद द ओमनीपोटेंट लॉर्ड। तो महाराज जी दसते ने इस तरीके भी साड़ी जड़ी मेडिटेशन जड़ी सी उन्हों का नाम सिमरन वो शिखर तक पहुँचा, तो वो उस एक नाल एकमिक हो गया, वो जोत एकमिक हो गई। तात मातमर अलख अराधा बहबित योग साधना साधा, माई पेरेंट्स आर आलसो मेडिटेटेड फॉर द यूनियन विद द इनकॉम्प्रहेंसिबल लॉर्ड एंड परफॉर्म्ड मैनी टाइप्स ऑफ डिसिप्लिनस फॉर यूनियन। महाराज जी दसते भी साढ़े जोड़े माँ प्यो माता पिता उन्होंने भी जिदा
बहुत ध्यान लाया, मैडिटेशन सिमरन नाम सिमरन किया महाराज जी होना दे विच एकमक होने लई, ते क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक अनुशासन वाला जीवन बतीत किया परमात्मा दे विच मिलन लई बड़ा, ते ये राह है ही अनुशासन का जी, बाकी तुसी साडे नूं वध जाण दे। तिन जो करी अलख की सेवा तातै भज प्रसन्न गुरदेवा, द सर्विस दैट दे रेंडर्ड द इनकंप्रहेंसीबल लॉर्ड कॉज्ड द प्लेजर ऑफ द सुप्रीम गुरु। तो जो उन्होंने सेवा की गुरु महाराज जी की, तो गुरु महाराज जी को खुश करने लिए प्लेजर उस परमात्मा वो सेवा सिमरन बहुत उन्हें डूंगा किया, तो गुरु महाराज जी उन्होंने खुश से, परमात्मा उन्होंने बहुत खुश से। तिन परब जब आयस में दिया तब हम जन्म कलू में लिया, वैन द लॉर्ड ऑर्डर्ड मी आई वॉज बॉर्न इन दिस आयरन एज। महाराज जी देखो कितनी खूबसूरत गल है, महाराज जी दस रहे जो परमात्मा का सानू हुक्म होया, उन्होंने सानू ऑर्डर किया तो असी इस कलयुग दे विच इस आयरन एज दे विच जन्म लिया। चेतना प्यो हमरो आवन कह चबी रही सरत प्रभ चरणन में, आई हैड नो डिजायर टू कम बिकॉज आई वॉज टोटली अबजॉर्ब्ड इन डिवोशन फॉर द होली फीट ऑफ द लॉर्ड। महाराज जी कहते साढ़े अंदर कोई इच्छा नहीं सी दोबारा धरती आने दे, साढ़े अंदर कोई भी इच्छा नहीं सी वी असी दोबारा धरती ते आईए, तो महाराज जी ने हुक्म किया, तो उन्होंने परमात्मा खुद कह रहे, देखो कितनी खूबसूरत गल है, भी परमात्मा खुद कह रहे भी परमात्मा ने सानू हुक्म किया, असी उन्होंने हुक्म मान के उन्होंने बोल मान के असी वापस इस धरती ते आए जग तारन लई। किनिया डूंगिया गलां बातें महाराज जी, ज्यों त्यों परब हमको समझायो इम कह कह ए लोक पठायो, बट द लॉर्ड मेड मी अंडरस्टैंड हिज विल एंड सेंट मी इन दिस वर्ल्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो महाराज जी आखते ने कहते भी परमात्मा ने उस अकाल पुरख महाराज जी ने सानू आपकी जिहड़ी इच्छा समझाई, आपकी इच्छा समझा के तो सानू इस धरती के उत्ते भेजा, तो असी उन्हों का हुक्म मन के उन्होंने बोल मन के असी इस धरती के उत्ते आए, तो बाकी तुसीं गुरु महाराज जी बारे जानते ही हो कि उन्होंने किन्नी दुनिया नूं उतारिया। तो एक गल होर सी, सानू कुछ गल पता लगी आ, तो धन धन बाबा मोहन सिंह जी सीगे जिन्हां नूं के इस स्थान के सब तो पहला महाराज जी ने दर्शन कराए से, जिन्हां नूं के स्थान लभ्या सी सही मायने च, उन्होंने इस स्थान के दर्शन हुए जितों के स्थान शुरू होया। सानू कोई ज़्यादा इतिहास नहीं पता, पर जिन्ना भी सानू पता लगेगा मैं थोड़ा जिहा कोशिश करूँगा, मैं होर छोटी जी वीडियो बना के उहदे दस दवां। तो महाराज जी ने इत्थे पिछले जन्म दे विच भगती कीती सी, ते थोड़ा बहुत होर कुछ पता लगे, कहिंदे भी इत्थे शायद बहुत पहले समय दे विच कोई सेंची सी कहिंदे इत्थे गुरबाणी दी, ते उह सेंची नूं कहिंदे दर्शन नहीं कर सकते आपां बिकॉज थोड़ा जिहा क्योंकि गुरु महाराज जी उदों बाद वो पुरानी सेंची सी, दसवीं पातशाह महाराज जी हुणी जदों आए आ वो उदों भी पुराने सी, आई थिंक शायद वो पुराने जन्म की होवे है ना, तो इदां सी महाराज जी की कृपा नाल। तो बाकी तो जिनी भी असी इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके हाँ, तो असी होर गांह भी इदा भी कराते रहेंगे। ताडा बहुत बहुत धन्यवाद है, तुम साड़ियां पुरानी वीडियो में इन्ना प्यार दिता, तो जदों के एक आप गोबिंद धाम जाने थले फिर उदू गोबिंद घाट जाने, जो गोबिंद घाट गुरुद्वारा साहब आ उत्थे शायद इतिहास के बारे दस्या आ, मेरी निगाह नहीं पई उत्थे, पर मैं कोशिश करूँगा उत्थे फोटो खिंच के एक मैं बिच पा दूँगा है ना जी, जां छोटा जिहा शॉर्ट लगे वीडियो का मैं उत्थे पा दूँगा। तो बाकी जे कोई बाणी पढ़दे आ जां कोई इतिहास बारे जाणू करवाउंदे आ, कोई मेरे को बोल वध घट बोलिया गया होवे उहदे लई मैं माफ़ी चाहुंना, ते महाराज जी तरस करन तुहाडे सारिआं ते, तुसीं भी इदां यात्रावां ते आओ, तुहाडीआं यात्रावां सफल होण, क्योंकि करमा भागां नाल ही आ हुंदा जी, मैं कहिंदा जी मेरे नालदिआं दे भाग खरे चंगे मैनूं नाल लै, महाराज जी का बड़ा तरस है जी। तो बाकी तुसीं भी आओ जरूर महाराज की कृपा नाल, ते नॉलेज लै के आओ पूरी इस स्थान की भी किवें किवें आउणा आ, सेफ आओ हमेशा, तो खुश रहो, चढ़दी कला च रहो, तो सेहतमंद रहो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਜੋ ਪਰਬਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦੋ ਪਾਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਆ ਬਾਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪਰਬਤ ਸੱਤ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਪਾਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਕਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਹੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਰੱਖਤ ਆ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਪਰਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਪਰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾਇਆ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦਰਖਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਚੈੱਕ